हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 वेलकम अगेन। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था एक्सरसाइज 3.3 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्यू दोनों समान पर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कि ये हमें एक आकृति दे रखी है जिसमें आकृति का नाम दे रखा है ये रिस्क और क्यू। देखिए आर आई एस के, ये इधर वाली आकृति अगर आप देखो तो एक समांतर चतुर्भुज बन रही है और एक इधर ये सी एन यू ई, तो ये वाली आकृति अगर आप देखो तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रही है। तो ये जो रिस्क और क्यू, ये जो दोनों आकृतियां हैं, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो हमें इसमें ये एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखो, एक्स का मान ज्ञात करने से पहले हमें इसके और जो ये कोण है निकालने पड़ेंगे, तभी हम एक्स का मान निकाल पाएंगे, ठीक है? क्योंकि देखो, ये वाला जो है ये इतना हिस्सा एक त्रिभुज बना रहा है, तो अगर हमें ये दो कोण पता होंगे तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होता है वो वाला गुण इस्तेमाल कर लेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे। उसके लिए पहले हमें ये कोण निकालने पड़ेंगे। तो उनको कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाला के जो कोण है और सी जो कोण है, ये के जो कोण है और आई जो कोण है, ये दोनों जो कोण है ये एक चतुर्भुज है ना, ये आर आई एस के, ये एक चतुर्भुज है। तो इसमें के और आई जो कोण है वो क्या है? सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो के जो है वो कोण हो जाएगा कोण के बराबर कोण आई, और क्यू बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो के का मान कितना है? 120 डिग्री। तो आई का मान हमारा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अब देखो, ये जो 120 डिग्री आया है, अब इस वाले में ये वाली जो चतुर्भुज है क्यू वाली, इसमें भी ये एल कोण और ई कोण अगर हम देखें तो ये और ये भी सम्मुख कोण है, ठीक है? तो हम लिखेंगे ई बराबर कोण एल, वो भी क्या है? सम्मुख कोण। तो वो भी बराबर है, तो ई का मान कितना जाएगा? ई का मान कितना जाएगा? एल है 70 डिग्री। तो ई कोण का माप हमारा ये वाला जो कोण है ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है? अब देखो, ये वाला जो कोण है आर और ये आई कोण, ये आपस में क्या है? आसन्न कोण है, और दोनों चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण आपस में संपूरक होते हैं। क्या संपूरक? मतलब 180 डिग्री के होते हैं। ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो दोनों कोण होते हैं आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और दोनों जो आसन्न कोण है वो संपूरक होते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे कोण आर जमा कोण आई बराबर 180 डिग्री, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ओके? तो देखो, कोण आर क्या है यहाँ पे, वो तो हमें निकालना है। कोण आई का माप दे रखा है जो अभी हमने निकाला था 120 डिग्री, इसको बराबर रखिए 180 डिग्री, तो 120 उधर जाएगा, तो 180 में से उसको घटा देंगे, कितना जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है? तो आर कोण का माप कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ये जो आर कोण है और ये एस कोण है, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। लिखेंगे कोण आर बराबर कोण एस, सम्मुख कोण, ठीक है? तो जितना मान आर का है उतना ही एस का आ जाएगा, कितना है? 60 डिग्री। तो एस का मान हमारे पास आ गया कितना आया? यहां लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है? तो अब देखो, ये ई का माप आ गया था हमारे पास, ई और एल सम्मुख कोण थे, तो एल जितना था उतना ई आ गया, और ये एस का मान, एस और आर सम्मुख कोण थे, तो आर 60 डिग्री था, तो एस भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है? अब देखो, ये दोनों कोण हमारे पास आ गए, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ये वाली जो है ये इस
बताइए चतुर्भुज बना रहा है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। ये ई एस ओ जो है एक चतुर्भुज बना रहा है और हमें इस एक्स का माप याद करना है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर। तो पहले हमने ये दो कोण निकाल लिए, अब हम तीनों कोणों का योग 180 के बराबर रख देंगे तो हमारा एक्स का माप निकल जाएगा। तो हम यहाँ त्रिभुज ई एस ओ में 70 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। 130 को घर ले जाएंगे तो 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो x का माप हमारा क्या आ गया 50 डिग्री। और कौन सा गुण हमने यहाँ पे लगाया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या हमने कि दो चतुर्भुज दे रखी थी, एक तो ये आर आई एस के और ए सी एल यू ई, और इसमें ये एक्स का मान हमें निकालना। सबसे पहले आई और के सम्मुख कोण थे तो ये 120 आ गया, ये 120 था तो आई भी 120 आ गया। उसके बाद ये आर और आई क्या है आपस में आसन्न कोण, आसन्न कोण संपूरक होते हैं तो इनका जोड़ 180 के बराबर, कोण आर का माप आ गया 60 डिग्री। फिर आर और एस सम्मुख कोण तो आर 60 तो एस भी 60 डिग्री। फिर इधर ये एल और ई सम्मुख कोण है तो एल 70 तो ई भी 70। तो इस तरह से हमने ये दोनों कोण निकाल लिए और फिर इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है वो गुण लगाया और हमारा x का मान आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।